अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां चार बदमाशों ने राह चलती दो बहनों को उठा लिया। बड़ी बहन उम्र 19 वर्ष के साथ गैंगरेप किया एवं छोटी बहन उम्र 17 वर्ष से छेड़छाड़ की है। घटना जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र की है। घर जाने के बाद रेप पीड़िता ने फांसी लगाने की कोशिश की। समय रहते परिजनों ने देख लिया और उसे झांसी के निजी अस्पताल ले गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें शुक्रवार दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें आरोपी मिले और उन्हें धमका कर रामकिशोर यादव के घर ले गए। यहां नाबालिग से छेड़छाड़ की तो बड़ी बहन से चारों ने दुष्कर्म किया। घर पहुंचने के बाद जब रेप पीड़िता ने सुसाइड करने का प्रयास किया तो छोटी बहन ने परिवार को पूरी बात बताई है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। परिजनों ने थाने जाकर इसकी शिकायत की। आपको बता दें, पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए परिजन ने भीड़ के साथ शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, एक आरोपी के पिता उन्नाव के बीजेपी मंडल अध्यक्ष है। दतिया एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भांडेर एसडीओपी और महिला इंस्पेक्टर को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। अस्पताल में भर्ती छात्रा की भी निगरानी की जा रही है। के दो छात्राओं द्वारा एक घटना की रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उनके साथ दुष्कर्मों पर छेड़खानी की रिपोर्ट अपने परिजनों के साथ आकर थाने पर की गई थी। चार लड़कों के विरुद्ध विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और दो जो छात्र हैं उनको हिरासत में लेकर उनसे अभी पूछताछ जारी है। दो अन्य छात्रों के लिए हमारे द्वारा टीम लगाई गई है।